मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ. और 1 जनवरी 2012 से अनिश्चितकालीन मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ कि ये फैसला जो आया हुआ है वो जिंदा लोगों के लिए आया हुआ है, न कि डेड मैन के लिए. तो आई एम डेड मैन. तो अब आप बताइए कि जिंदों को तो ये शिफ्ट कर देंगे, तो मुझे कहाँ शिफ्ट करेंगे, कब्रिस्तान या शमशान घाट? इससे पहले वोट क्लब पे थे. वोट क्लब पे जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने वो जगह बैन कर दिया. उसके बाद जंतर मंतर पे आए तो जंतर मंतर पे भी इन्होंने इसी प्रकार के किंतु परंतु लगाकर यहाँ से बैन करके तालकटोरा स्टेडियम के पास पे फेंक दिया. तो वहाँ से भी कुछ महीने बाद फिर यहाँ पे लाए. जब देश प्रदेश जिले से लोग थक जाते हैं, कहीं उनकी सुनवाई नहीं होती है, अदालत में नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं और देश के हित की मांग कर रहे हैं. जिन्होंने एनजीटी में याचिका दायर की वो लोग यहाँ घुसपैठिए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, कब्जा करके रह रहे हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं ये सारे लोग. और उन लोगों ने मांग की कि हमारा जीने का अधिकार. अगर हम लोगों को मान लीजिए वो वहाँ रामलीला ग्राउंड भेज देते हैं तो उसके आसपास में जो है 4-5 हॉस्पिटल्स हैं. क्या हॉस्पिटल्स में पेशेंट को डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी? एक तरफ सरकार कहती है कि शांतिपूर्ण आंदोलनों को सुनवाई करेंगे, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण से जो आंदोलन चलते हैं जनहित के लिए उनको रोंदने का काम कर रहे. इतने वर्षों में जो इतने सालों से बैठे हैं, जैसे 6 साल मुझे हो गए और कई सालों से कितने धरनाधारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सरकार के कान पे आज तक जू नहीं रहेगा. और एक प्रदूषण के ऊपर जो है इतनी जल्दी सुनवाई होती है, तो अपील जो लेके इतने सालों से बैठे हैं उनकी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है?